नमस्कार। बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस पार्टी के नेता यानी राहुल गांधी के नजदीकी पंकज पुनिया यानी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। पंकज पुनिया गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्होंने आरएसएस को गाली दी, भगवान श्री राम का अपमान किया और योगी आदित्यनाथ का इतना बुरा अपमान किया कि हम आपको ये बातें यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की मानसिकता गिरी हुई है, किस तरीके से वो वोटों के समय उनके राजकुमार मंदिर जाने का नाटक करते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को, और आपने देखा मंदिरों में किस तरीके से वो हवन कर रहे थे, लेकिन उनकी हकीकत तब खुलती है जब चुनाव नहीं होते हैं। बीजेपी के विरोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो उनका असली चेहरा सामने आता है। और हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं के भगवान का अपमान करना और इस तरीके से इतनी घृणित बातें लिखना कि जो हम यहाँ न दिखा सकते हैं और न वो बोलने वाली बातें हैं, और ऐसी बातों को लेकर जो ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया था उसके बाद पूरा देश गुस्से में था और तमाम इतनी सारे एफआईआर हुई। अलख आलोक श्रीवास्तव ने भी उनके खिलाफ एफआईआर की, तमाम देश में अन्य स्थानों पर उनके खिलाफ एफआईआर हुई, यूपी पुलिस ने एफआईआर की, विशेष टीमें गठित की गई, आखिरकार करनाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उनको यूपी पुलिस के हवाले किया जाएगा और तब आप बता सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इतना कुछ होने के बाद उनको अभी न पार्टी में से हटाया है और ना पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि वो हिंदुओं के खिलाफ इस तरीके की गालियां बके, इस तरीके का अपमान करे। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये घृणित कार्य कर रही है और हिंदुओं के भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचा रही है, तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र होगा। जब चुनाव होते हैं, कांग्रेस की बुरी हार होती है तो वो कहते हैं ईवीएम हैक हो गया। असली में ईवीएम हैक नहीं, इनकी मानसिकता के कारण, इनकी ये जहरीली सोच के कारण देश का जनमानस जाग चुका है और इनके खिलाफ इनके जो मन में जहर फैला हुआ है उसको जानने के बाद अब लोग इनसे नफरत करने लग गए हैं कि कैसी सोच है कि वो भगवान राम का अपमान करते हैं, वो यहाँ के इस बहुसंख्यक यहाँ की संस्कृति का अपमान करते हैं और फिर यहाँ पर राजनीति करने आते हैं, कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आप पर शासन करेंगे, नहीं तो हम आपका अपमान करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के जो ये नेता हैं ये हरियाणा से आते हैं और ये तमाम हर दिन ट्विटर पर कुछ न कुछ गालियां बकते रहते हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी के एक से एक जो आईटी सेल से हैं, जो उनके चमचे हैं या उनके लीडर हैं, कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो इस तरीके की बयानबाजी करता है। राहुल गांधी ने खुद न्यूयॉर्क में कहा था कि वो हिंदू ज़्यादा खतरनाक हैं, हिंदू आतंकवाद करे तो वैसे। तो आप लगा सकते हैं कांग्रेस पार्टी का उच्च नेतृत्व हो या कांग्रेस पार्टी का छोटा कार्यकर्ता, सबकी सोच एक जैसी है कि हिंदुओं को गाली दो और आरएसएस को गाली दो, योगी आदित्यनाथ को बदनाम करो। योगी आदित्यनाथ को वो अजय बिष्ट के नाम से जानते हैं, जबकि हमारे संस्कृति में परंपरा है जब जो कोई संन्यास ले लेता है तो उसका नाम बदल जाता है, तब उसकी ओरिजिनल पहचान नहीं होती है, लेकिन तब भी ये इस तरीके के बातें करते हैं। और एक जो झूठी खबर है उसके आधार पर ये तमाम उसमें बातें कहते हैं और इनके खिलाफ, पंकज पुनिया के खिलाफ धारा 153A, 295A, 505(2) और आईटी एक्ट की धारा 68 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और अब इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। कोर्ट भी इनको करारा तमाचा मारेगा क्योंकि इनको छूटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने जो बातें कही थी वो किसी देश में क्या कहीं भी ये स्वीकार्य नहीं है। अगर पाकिस्तान जैसे देश में होते तो या अन्य कंट्री में होती तो इनको फांसी तक हो जाती, लेकिन वो भारत है कि भारत में इस तरीके के लोग एक सबसे पुरानी पार्टी के राजनीतिक नेता बने हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा आंखें मूंद कर
इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद उनकी भी मौन सहमति है और ऐसे लोगों को वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो पूरा देश जाग चुका है, इसके बाद ही इनके खिलाफ FIR हुई। तमाम दो तीन दिन से ट्रेन कर रहा था कि अरेस्ट करो पूनिया को, और आखिरकार वो सफलता मिली और हरियाणा की सरकार यानी मनोहर लाल खट्टर की सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लिया और यूपी पुलिस ने भी इस पर संज्ञान लिया और उनके खिलाफ कठोर से कठोर धाराएं लगाई गई। अब उनको यूपी के हवाले किया जाएगा और बताया जाएगा उन्हें कि आखिरकार उनकी गलती क्या है। वो जो उन्होंने इस तरीके का घृणित कार्य किया था, उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन वो उस बात से पीछे नहीं हट रहे थे। जब कोई उनको समर्थन कर रहा था कि कह रहा था कि इन्होंने कोई बुरी बात नहीं की, सच्चाई कही है, उनको रीट्वीट कर रहे थे, लाइक कर रहे थे। यानी मतलब वो एक भय था उनको कि उनको भी लग गया था कि इसके खिलाफ पुलिस एक्शन होगा, कोर्ट से भी उनको छूट नहीं मिल सकती है, लेकिन उनके मानसिकता में वो जहर अब भी है और ऐसे लोगों को ज़रूर सबक सिखाया जाना चाहिए। न्यायालय को या सरकार को या पुलिस को ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका चरित्र और चाल चलन देखिए कि एक तरफ वो बात करती है कि हम सेकुलर हैं, हम यहाँ पर हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन इनके दिल में क्या है कि एक तरफ हिंदुओं को खुलेआम गाली दो, भगवानों का अपमान करो और दूसरी तरफ तुष्टिकरण की नीति अपनाकर ये तमाम ऐसे हथगंडे इन्होंने मीडिया के सामने आए हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस बुरी गर्त में जा चुकी है। राहुल गांधी का जो चेहरा है वो पूरी तरह से उतर चुका है। सोनिया गांधी ने जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक आतंकवादी संगठन की तरह बना दिया है कि वहाँ गालियाँ दो, वहाँ हिंदुओं का अपमान करो, RSS को गाली दो, जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको गाली दो, और सिर्फ वो पाकिस्तान के समर्थन में आ जाते हैं। जो बातें पाकिस्तान कहता है वही बातें वो कहते हैं। आपने देखा तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं, कश्मीरी अलगाववादियों का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के स्टैंड का समर्थन करते हैं, और जब कश्मीर की बात आती है तब भी वो पाकिस्तान की तरफदारी का बयानबाजी करते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत में रहकर भारत में ही भारत के खिलाफ ही इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। उन लोगों को भी डूब मरना चाहिए शर्म से कि जो लोग अब भी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, और पंकज पुनिया जैसे लोग तभी ये मीडिया के सामने या सोशल मीडिया के सामने इस तरीके के बयान रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसको बहुत सारे ट्वीट मिलेंगे, रिट्वीट मिलेंगे और वाहवाही होगी उनके उस ग्रुप में। लेकिन अधिकांश जनता यहाँ पर अब भी इसकी संस्कृति का सम्मान करती है, यहाँ के धर्म का सम्मान करती है, क्योंकि बहुसंख्यक देश ये हिंदू ही है। अभी जो कांग्रेस का मकसद है हिंदुओं को बदनाम करने का, वो आखिरकार उनको करारा झटका लगा है और पंकज पुनिया गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी को और उनके चेहरे पर बड़ी करारा तमाचा है कि कैसे उन्होंने ये नेता बना रखे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गाली देने का काम करते हैं। आप देखते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम प्यार की भाषा जानते हैं, हम प्यार करते हैं, RSS वाले नफरत करते हैं, लेकिन सच क्या है वो जनता के सामने है कि कांग्रेस वाले किस तरीके के नफरत की आग में मन मस्तिष्क डूबा हुआ है और वो जहर उगलने का काम करते रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे जिस तरीके की गालियां और हिंदुओं का अपमान हो रहा है, उस पर इसी तरीके से त्वरित एक्शन होना चाहिए और आइंदा से कांग्रेस के कोई नेता इस तरीके का हिम्मत ना करे या अन्य कोई लोग इस पर हिम्मत ना करे। और ये बड़ा एक्शन हुआ है, तो आप लगा सकते हैं कि ये बड़ी जीत है कानून की, देश के लोगों की और उन लोगों की जो लगातार पंकज पुनिया के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि अंत में चलते चलते हम आपको बता दें कि एक तरफ ही ये कोरोना महामारी फैली हुई है, पूरा दुनिया इससे त्रस्त है, ये वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अपना रूप हमेशा एक ही तरह के रख रही है, वो वायरस की तरह ही है। वो अब आपको बता दें कि इस महामारी के समय कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, रणदीप सुरजेवाला जो
लगातार इतने चुनाव हार चुके हैं लेकिन उनकी अकल नहीं आई है उनकी, वो हमेशा इस तरीके के पोस्ट करते रहते हैं। कभी वो नेपाल से उठा लेके आते हैं, कभी पाकिस्तान से, कभी रोहिंग्या की, कभी म्यांमार की फ़ोटो वो पोस्ट करते हैं और वो न्यू इंडिया कैप्शन लगाकर भारत को बदनाम करते हैं। तो पाकिस्तान की तरह वो भारत को बदनाम करने के लिए वो तमाम दुनिया की झूठी पोस्टें वहाँ पर डालते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये चेहरा किस तरीके का है। कांग्रेस पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया है भारत को बदनाम करने के लिए। महामारी के समय जब पूरा दुनिया त्रस्त है, पूरी धरती इस महामारी से परेशान है, पूरा भारत परेशान है, हर व्यक्ति इस महामारी के समय परेशान है, हर एक डरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपनी राजनीतिक दुकान चमकानी है। इस वजह से वो लगातार झूठे पोस्ट, झूठे कैप्शन और उसके तहत वो अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन उनकी पोल खोल जाती है और उसके बाद वो इस तरीके के पोस्ट डिलीट करते हैं, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं होता है। रणदीप सुरजेवाला जैसे जो कांग्रेसी लीडर हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। क्यों वो इतने बड़े पुरानी पार्टी में प्रवक्ता बने हुए हैं और इस तरीके के झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं? तो आप लगा सकते हैं कि कितने सारे झूठ बोलते होंगे ये तो खाली एक फ़ोटो की बात है कि इनको बिना वेरीफाई करे हुए ये इतने पुरानी पार्टी के लोग इस तरीके का झूठ फैलाने का काम करते हैं। और जो ये अपनी पीसी में कहते होंगे उसमें कितना झूठ होता होगा, क्योंकि उसका लोगों के पास बोलने में कोई प्रूफ नहीं रहता है। फ़ोटो में लोग तुरंत ढूंढ निकालते हैं कि ये फ़ोटो कहाँ से है, लेकिन जो बातें सुरजेवाला अपनी पीसी में कहते हैं वो कितना झूठ होता होगा, कितना प्रपंच होता है, कितना जहर मिलाया रहता होगा उसमें, ये सुरजेवाले की पोस्टों को देखकर, कांग्रेसियों की पोस्टों को देखकर लगता है। और लगातार इनकी पोल खुल रही है, कांग्रेस पार्टी का चेहरा असली इस विपत्ति की घड़ी में सामने आ रहा है कि वो उनको सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, उनको राजनीति करनी है और कांग्रेस पार्टी को लोगों की कोई चिंता नहीं है। उनको ये चिंता नहीं है कि दुनिया किस तरीके से इस महामारी से लड़ रही है, देश कितने परेशानी में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी खुश है और वो इस तरीके का प्रपंच फैलाकर अपनी राजनीति चमकानी चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये न भूले कि जनता सब जानती है और कांग्रेस पार्टी का वो हश्र होगा कि शायद उसको एक सीट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।